एवरी वन वेलकम टू करंट क्राइट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज के काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसी क्यूज हमारे पहले यूनिट uh, के ठीक है जो है आपका सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन तो डू स्टे टिल द एंड काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये अभी किन के लिए हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली जो मेरे वीडियोज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और जो पी डी एफ वगैरह से रिविजन भी टाइमली करते हैं वो पी डी एफ में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है वहां से आपको पी डी वगैरह जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो रिवाइज़ कर सकते हैं एंड uh, मैं कल आपका 2016 थाउजेंड uh, सिक्सटीन के फिफ्टीन में जब ये एग्ज़ाम हुआ था सुपरवाइजर उसका क्वेश्चन पेपर देख रही थी जितना सिलेबस उनका हमारे साथ सेम है अगर आप वो सारे क्वेश्चन देखो तो वो जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उनमें से ही सारे क्वेश्चन आए हैं तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर मेरे वीडियोज़ आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो एंड जो पी है उनसे आप फिर रिविजन भी कर रहे हो ये आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उन पीडीएफ और वीडियोस को देख के ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन इसमें आपको क्या करना है एक पेन एंड पेपर अपने साथ ले लो एंड में कहीं कहीं पे कोई न्यू टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी आज कुछ नया भी आप सीखोगे तो वो आपको नोट डाउन करनी है अपने नोट्स में ठीक है एंड जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका आपका रिविजन हो जाएगा अब ये उनके लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं प्लस अगर स्पेशलाइजेशन का कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर आज देख रहा है वो भी इस वीडियो को देख ले कंप्लीटली ठीक है उसको उसके दिमाग में भी कुछ चीजें जाएंगी एंड ये वीडियो देखने के बाद उसको क्या करना होगा मेरी चैनल पे जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशलाइजेशन की वहां से जाके सारे वीडियोस देखें ठीक है तो लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था हमारा सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन प्लस उसका पार्ट सेकंड जो है वो अपलोड किया था मैंने लेक्चर ट्वेल्व में ठीक है तो लेक्चर वन एंड लेक्चर ट्वेल्व जो है वो आपका सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का है तो दिस इज मी कुरत मलिक अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं ठीक है तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर देती हूँ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से द टर्म सोसाइटी इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ठीक है ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि जो वर्ड है वो लैटिन है या ग्रीक है जहां से आपका वर्ड डिराइव हुआ है तो जो सोसाइटी टर्म है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से ठीक है अब देखो यहाँ के इसके ऑप्शन आप ध्यान से देखो इसमें इसका आंसर तो सोसाइटास है अगर आपको ये सारे ऑप्शन दिए होंगे तो आप सोसाइटीज़ इसकी स्पेलिंग एस ओ सी आई ई टी यू एस करके भी आती है अब कई जगह क्या होता है उन्होंने सोसाइटी का जो ये है कि किस वर्ड से डराइव हुआ है उन्होंने यहाँ पे सोशस भी लिखा हुआ है तो अगर आप सोसाइटिस नहीं देखोगे एंड वहाँ पे वर्ड होगा तो आप सोशस पे क्लिक करोगे ठीक है अगर ये दोनों वर्ड गिवन होंगे तो आप सोसाइटास पे करोगे तो बेसिकली होता क्या है देखो जो सोशोलॉजी है ना इसमें आपको काफी ये देखने को मिलेंगी आ, कि एक ही चीज को लेके अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है ठीक है तो जब इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करोगे आपको एक सर्च की काफ़ी मीनिंग्स मिलेंगे आप यू नेवर नो जो पेपर सेट कर रहे हैं क्या वो इंटरनेट से ही आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठा के दे दें ठीक है या वो बेसिक रिसर्च करके जो है क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं बेसिक रिसर्च करके तो मुझे मुश्किल ही लगता है कई बार ही वो इंटरनेट में ये रिसर्च करते हैं और आपको क्वेश्चन दे देते हैं तो हो सकता है वो सोसाइटिस वर्ड ही वहां पे ना टाइप करे और उन्होंने सिर्फ सोशस वर्ड ही लिखा हो तो ऐसा भी चांस है आने का अगर अब दोनों आंसर्स होंगे तो आप प्रेजेंट होंगे तो आप सोसाइटा लिखोगे ठीक है एंड अगर ये सोसाइटिस नहीं होगा तो सोशल तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी ठीक है ये नॉट जो है ऐसे की वर्ड्स इन पर आपको ध्यान देना है क्योंकि कई बार क्या होता है आप जल्दी में अगर पढ़ोगे आप नॉट छोड़ दोगे एंड अगर आप नॉट इस क्वेश्चन में छोड़ दो तो इस क्वेश्चन का सारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है ठीक है तो ये जो मैंने आज का एमसीक्यू सी क्यू सेटअप किया है इसी तरीके से किया है कि आपको काफी हेल्पफुल रहे आपके फाइनल एग्जाम के लिए तो म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस हमने कहा फीचर्स हैं कैरेक्टर हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी आपके लेक्चर वन में ठीक है उसमें क्या होता है सोसाइटी में म्यूचुअल इंटरेक्शन सोसाइटी बेसिकली में होते कौन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब लोग प्रेजेंट होंगे इतने सारे वो एक सोसाइटी बनाएंगे तो वो बुत बन के थोड़ी बैठेंगे सारे चुप करके अपना काम कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा आप इंटरैक्ट करोगे ठीक है तो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी एंड आप म्यूचुअली अवेयर भी रहोगे एक दूसरे से अब म्यूचुअली अवेयर का क्या मतलब है मैंने आपको लेक्चर में एग्जांपल uh, के साथ समझाया था कि अगर मैं आपको पढ़ाने आती हूँ आई शुड बी अवेयर कंप्लीटली कि मैं स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करूँ एंड इन रिटर्न स्टूडेंट्स को भी इस चीज के लिए होना पड़ेगा कंप्लीटली अवेयर कि उनको टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है तो सोसाइटी में क्या होता है म्यूचुअल अवेयरनेस होती है आपको पता होता है आपको आपके फादर से कैसे बात करनी है एंड फादर को भी पता होता है अपने बच्चे से कैसे बात करनी है वो यूजुअली अलग तरीका होता है आपके मदर के कंपैरिजन में आपका मदर से बात करने का तरीका अलग होता है एंड मदर का आपसे तो आप म्यूचुअली अवेयर होते हो एक दूसरे के रिलेशन में अगर आप सोसाइटी के इस परस्पेक्टिव में देखो तो ये ठीक है ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट क्या होता है ये वो वाला इंस्टिंक्ट है जो आपको बोलता है ग्रुप में रहने के लिए तो वो भी ठीक है ठीक है क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ सोसाइटी आ गया डिविजन ऑफ लेबर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में हमने डिविजन ऑफ लेबर सोशल चेंज में भी पढ़ा है और सोसाइटी में भी पढ़ा है ठीक है डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है अगर आप एक काम को डिवाइड करते हो अलग वेरियस टास्क में एक कॉम्प्लेक्स टास्क को आप क्या करोगे सिंपल टास्क में डिवाइड करोगे तो वो होता है आप लेबर को डिवाइड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे आपका मोबाइल फोन बनता है मोबाइल फोन अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए वन सिंगल फैक्ट्री हो जहाँ पे आपका मोबाइल फोन जो है मशीन से डायरेक्ट आ जाए तो इसका डिविजन ऑफ लेबर होता है कहीं पे इसका स्क्रीन बनता है ठीक है कहीं पे इसकी आईसीज बनती है अंदर की जो यूज होती है कहीं इसके हार्डवेयर का, का काम हो रहा होता है ठीक है और कहीं इसके चार्जर वगैरह के रिलेटेड कोई फैक्ट्री सेटअप होती है तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है एक फाइनल मोबाइल तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को आपने स्प्लिट किया सिंपलर एक्टिविटीज में इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर तो सोसाइटी में भी ऐसा होता है डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप बेसिक एग्जाम्पल ले लो अपनी फैमिली की आपके फैमिली आपके घर में बहुत काम करना होता है ठीक है घर का काम होता है आपका फैमिली रन करनी होती है पैसे कमाने होते हैं तो हमारी फैमिलीज में एक सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर होता है कि ब्रदर कोई काम करता है सिस्टर कोई काम करती है फादर कोई काम करेंगे मदर कोई काम करेगी तो ये डिविजन ऑफ लेबर आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा सिंपल सोसाइटीज में कम होता है डिविजन ऑफ लेबर और जो आपकी मॉडर्न सोसाइटीज हैं जैसे मैंने आपको इस फैक्ट्री की एग्जांपल दी है मॉडर्न सोसाइटी में आएगा मॉडर्न सोसाइटी में इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होगी वहां के कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए आपका जो डिविजन ऑफ लेबर है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर होता है तो इनमें से कौन सी चीज हमें अब देखनी है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी दिस इज योर सोसाइटी स्टैटिक क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है सोसाइटी जो है वो डायनामिक है एंड इट इज एवर चेंजिंग देखो अगर आप रिकॉल करोगे हमने सोशल चेंज में ऑगस्ट कॉमते का पढ़ा था उन्होंने हमें दो चीजें बोली थी एक तो स्टैटिक कहा था सोशल स्टैटिक पार्ट एंड सोशल डायनामिक पार्ट आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो उनने स्टैटिक वहां पे कहा था कि कुछ चीजें स्टैटिक होती हैं ठीक है ठीके? आपको इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में देखना है वो ऑगस्ट कॉमटे का बोलना था लेकिन आप जब क्वेश्चन देखते हो ना तो ये भूल जाओ उस थिंकर ने ये बात बोली है उस थिंकर ने ये बात बोली है आप क्वेश्चन की डिमांड समझो और उसके सारे जो ऑप्शन हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है उसका आंसर होगा वही आपका आंसर होना चाहिए और इन सब में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है सोसाइटी स्टैटिक क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो काफी क्लियर होती हैं जो सोसाइटी के फीचर्स बनाती हैं द सेंट्रल फोकस ऑफ डिवाइन ऑरिजिन थियोरी ऑफ सोसाइटी वॉज अब हमने थ्योरी ऑफ ऑरिजिन की काफी स्टोरीज हमने ये काफी थियरीज हमने पढ़ी ओरिजिन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी देखी डिवाइन ऑरिजिन देखी ग्रुप माइंड थियोरी देखी ठीक है फोर्स वाली थियरी देखी तो डिवाइन ओरिजिन थियोरी अगर किसी को नहीं भी पता होगा देखो अब क्या होता है कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आपको नहीं पता होगा अगर आपको डिवाइन uh, ओरिजिन आपने नहीं पढ़ा है कहीं पे भी लेकिन एटलीस्ट आप इतने पढ़े लिखे हो डिवाइन से आप कुछ रिलीजन से रिलेट कर सकते हो चीज को तो क्वेश्चन देखे यू डोंट हैव टू फील नर्वस कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था मैं छोड़ देता हूँ ठीक है ये नहीं करना है रीथिंक करना है आपको एग्जाम में जस्ट रिपीटेटिवली वो क्वेश्चन पढ़ो दिमाग में दो चार बारी आई एम श्योर क्वेश्चन का कोई ना कोई कीवर्ड यू विल बी एबल टू ग्रेस्प इट अगर आप इसमें डिवाइन को ग्रेस्प करो और आपने नहीं पढ़ी है तो डिवाइन को कहीं ना कहीं आप गॉड एंड रिलीजन से रिलेट करोगे तो उन केसेस में क्या आपका आंसर आना चाहिए मैन मेड आर्टिफिशियल क्रिएशन दोनों सेम चीजें बोलती हैं इन अ सोसाइटी फ्यू पीपल एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर अदर्स ये कौन सी वाली आपकी थ्योरी है फोर्स ऑरिजिन थ्योरी कि कुछ लोग क्या करते हैं दूसरों पे अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बाकियों की जिनकी हो रही होती है एक्सप्लॉयटेशन वो सारे मिलते हैं एंड आपकी सोसाइटी बनती है ये हमने पढ़ लिया था एंड सोसाइटी इज हैंडी वर्क ऑफ गॉड तो इसका आंसर क्या होगा हैंडी वर्क ऑफ गॉड क्योंकि यहाँ पे क्या टर्म देखे है डिवाइन तो ऐसे करके भी आपको की वर्ड्स के आंसर रिलेट करने की कोशिश करनी है ये एमसीक्यू मैंने सारा सेटअप ही इसीलिए किया है कि आपको हर समझ में आ जाए हर तरीके से कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है इवन वो क्वेश्चन भी जो आपने नहीं पढ़े हैं अब कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट जैसे मेट्री आर्कल थियोरी ऑफ ऑरिजिन सोसाइटी ये हमने दो थियोरीज पढ़ी ऐसी टाइप की एक हमने पढ़ी मेट्री आर्कल और एक हमने पढ़ी पेट्री आर्कल ठीक है देखो ये तो डायरेक्ट ही इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते अगर आपको आता है ठीक है नहीं आता है अगर नेगेटिव मार्किंग है छोड़ दो अगर गैस कर सकते हो तो कर लो तो मेट्री आर्कल कहा था आपके जेंकीज ने एंड हेनरी मेन ने कहा था पेट्रीआर्कल आपका ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी कहां से होता है एक पेट्रीआर्कल सेटअप से पेट्रीआर्कल क्या होता है एल्डर्स मेल मेंबर के पास अथॉरिटी होती है मेट्रीआर्कल में क्या होता है एल्डर्स फीमेल मेंबर के पास अथॉरिटी होती है इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताती हूं अगर आपको सूटेबल लगेगा याद रख सकते हो मेन एम से होता है एंड मेट्री एम से होता है आपको याद रखना है इसका ऑपोजिट आंसर है ठीक है ऑपोजिट में क्या आएगा आप जेंकीज तो अब है एंड मेन है पेट्री ये इसका आंसर है आपको बस याद रखना है इसमें हेनरी मेन एम फॉर मेन एम फॉर मेट्री लेकिन आंसर इसका ऑपोजिट होगा तो मतलब जो जेंकीज है आपका वो मेट्री है एंड हेनरी मेन आपका पेट्री है अगर ये आपके लिए ईजी हो जाएगा ऐसे करके याद रखना तो आप रख सकते हो देखते हैं मैच द फॉलोइंग ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें आपको मैच करना होता है इन क्वेश्चन में क्या होता है अगर आपको दो पार्ट इसमें से आते होंगे तो हाई प्रॉबेबिलिटी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वो दो सॉल्व करके देखो इसमें से हम सबसे ईजी वाले दो मिलाते हैं ऑर्गेनिक थियोरी स्पेंसर स्पेंसर की थियोरी मैंने आपको क्या बोली वो किस चीज से रिलेटेड थी इनको डावेनिज्म भी बोला जाता था इनकी थ्योरी को सोशल डावनिज्म ये थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट लेके आए थे आपके सोशोलॉजी में सोशल डार्विनिज्म कैसे इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ इटेस्ट की बात की थी कि जैसे आपकी सोसाइटी कॉम्प्लिकेट होती जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है चेंज होना पड़ता है उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में खुद को डालने के लिए तो जो इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है वो उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाए वो सर्वाइव करता है ठीक है तो बायो वाला कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो इंसान उतना केपेबल नहीं होता है जो कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाए वो आगे नहीं चलता है वो वहीं खत्म हो जाते हैं वैसे इंसान तो आपकी जो सोसाइटी है उस बनने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना काफी जरूरी है ठीक है एंड और एक चीज इन्होंने कही थी और सोशल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो वो ऑर्गेनिज्म का बेसिकली क्या था कि जो सारे पार्ट्स हैं बॉडी के वो इंटर रिलेशन में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हार्ट ब्लड पंप ना करे तो आपके सारे बाकी ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे सिमिलरली सोसाइटी में क्या होता है अगर आपका एक पार्ट काम ना करे सोसाइटी का कोई एक इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल फैमिली ले लो या रिलीजन ले लो ठीक है ये सारे जो है ये मेंटेन करते हैं फैमिली की स्टेबिलिटी को अगर एक भी पार्ट काम ना करे आपकी सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी वैसे ही जैसे इंसान का एक भी बॉडी पार्ट अगर काम करना बंद कर दे उसकी पूरी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकते वो मर जाएगा हम ये तो नहीं कह सकते ना चलो हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं कर रहा है एटलीस्ट ब्रेन तो चल रहा है ना एटलीस्ट लिवर तो चल रहा है इंसान जिंदा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता ना जब ऑर्गन्स एक एक फेल होना शुरू हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी यू विल डाई ठीक है बॉडी काम नहीं करेगी क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो यही व्यू इन्होंने सोसाइटी में भी लाया था स्पेंसर ने तो काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट है जिसने थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन का स्टार्टिंग पढ़ लिया होगा लेक्चर को मेरा देख लिया होगा वो इतना तो क्लिक कर लेगा स्पेंसर ऑर्गेनिक थ्योरी ठीक है और एक इंपॉर्टेंट है हॉबीज इसने जो ऑरिजिनल थ्योरीज दी थी उसमें इन्होंने बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट एक बनता है उसके थ्रू सोसाइटीज आती हैं वो मैंने डिटेल लेक्चर में बताया है तो हॉबीज ने इसी चीज को लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक बुक लिखी थी लेविथ ठीक है अब आई अज्यूम कि आपको ये दो चीजें पता होंगी इसमें ठीक है ये दो चीजें आपको पता होंगी क्योंकि जिसने थोड़ा बहुत भी सोसाइटी सोशोलॉजी पढ़ा है ये दो चीजें वो काफी आराम से बोल पाएगा अब रही बाकी दो की बात ग्रुप माइंड थे एंड पार्सन ठीक है अब आपका क्वेश्चन जो है यू आर ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट देयर इस केस में आप इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है क्योंकि फिफ्टी परसेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है दैन मींस गलत होने की आपके रेशियो जो है इसमें अभी भी थोड़ी कम है इफ यू आर नॉट अ कंप्लीटली मतलब वो काइंड ऑफ स्टूडेंट जो बिल्कुल ही ब्लैंक स्लेट के साथ गया है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव परसेंट अगर आपको नॉलेज हो क्वेश्चन की अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन उसमें आप रिस्क ले लो ठीक है ग्रुप माइंड थियरी दी थी एम सी डोगल ने इन्होंने क्या कहा था ग्रुप माइंड को इन्होंने सुपीरियोरिटी दी थी और इंडिविजुअल माइंड कि आपकी सोसाइटी कैसे चलती है आपके इंडिविजुअल माइंड से नहीं चलती है ग्रुप माइंड से चलती है ये बात इन्होंने कही थी ऑरिजिन ऑफ थियरी में एंड पार्सल्स ने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म वाला कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म क्या कहता है लोग क्या करते हैं सिंबल्स के थ्रू ये करते हैं आपस में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं इंटरक्ट करते हैं लेकिन वो जो सिम्बल्स का मीनिंग होता है वो शेयर्ड होता है फॉर एग्जाम्पल मैं uh, आप मेरे सामने बैठे हो मैं आपको दूर से देख रही हूँ मैं आपको वेव करूँ या आप अपने फ्रेंड को वेव करोगे तो वो वेव जब आप उसको करोगे हाई करने का वो जेस्टर दोगे तो वो कन्फ्यूज थोड़ी हो जाएगा उसको पता है वेव करने का मतलब हाई है तो वो भी आपको सामने से वेव करेगा दैट मीन्स वो वेव करने का जो मीनिंग है वो शेयर्ड है लोगों के बीच में तो ही हम वेव कर पाते हैं और वेव के थ्रू इंटरेक्ट कर पाते हैं ठीक है जैसे आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलो तो उसको आप थम्स अप दिखाते हो आप थम्स अप उसको दिखाओगे दूर से तो वो ये थोड़ी सोचेगा ये मुझे ठेंगा क्यों दिखा रहा है कश्मीर में जब लड़ाइया होती है तो औरतें जो ठेंगा भी दिखाती है पर वो पार्सन को नहीं पता था <laughs> वो अलग बात है ठीक है यूजुअली हम दिखाते हैं थम्स अप को साइन होता है हम ऑल द बेस्ट किसी को बोलने के लिए करते हैं तो आपकी फ्रेंड वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में ये नहीं सोचेगी मुझे ठेंगा क्यों दिखा रही है नशील थी किसने मुझे थम्स अप दिया दैट मीन ऑल द बेस्ट बोला तो कहने का मतलब क्या मीनिंग जो होता है वो शेयर्ड होता है और वो इंटरेक्शन इंटरेक्शनल सिंबल से तो ही कर सकते हैं अगर मीनिंग सबको पता हो ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म ये किसने कहा था पार्सन ने आगे चलते हैं मार्क द इनकरेक्ट करेक्ट वन अभी कुछ सोसाइटी के टाइप्स हैं जो आपके अलग अलग थिंकर्स ने दिए थे फोर्टिन ने कहा था जेमिन शाफ्ट एंड शाफ्ट ये करेक्ट है ठीक है हमने फोर्ट एंड टोनीस की टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमने पढ़ी है आई गेस ये लेक्चर ट्वेल्व में कवर्ड होगा तो जेमिनी शाफ्ट आपकी कौन सी सोसाइटीज होती हैं जो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज होती हैं तो जहां भी अगर आपको सिर्फ इतना पता हो जेमिनी शाफ्ट कम्युनिटी है एंड जेसिल आपका एसोसिएशन है यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि कम्युनिटी आप किससे एसोसिएट करते हो वी फीलिंग से सॉलिडारिटी से यूनिटी से तो ऐसा जो भी कोई एस्पेक्ट आएगा वो किसके रिलेटेड होगा जेमिन इन छोटी सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट

इमाइल दुरखेम ने बोला था मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल नहीं ये किसने कहा था ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था ठीक है एंड ये स्पेंसर ने कहा था और मैकेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉलिडॅरिटी ये किसने कहा था ये दुरखेम ने कहा था तो ये भी आपका गलत है ये दुरखेम ने कहा था रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक एंड अर्बन कहा था ठीक है तो इसमें दो गलत है इसमें जो ऑप्शंस लिखना भूल गए हैं इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे बनते ए बी सी डी चार ऑप्शन एक में लिखा होता ए बी गलत है बी सी गलत है या सी डी गलत है ए डी गलत है ठीक है ऐसे करके ऑप्शंस कुछ होते एंड उसका आंसर क्या होता बी एंड सी कि आपके बी एंड सी इसमें गलत है वो क्रिस क्रॉस मैच किए गए हैं इमायुरखेम ने ऑर्गेनिक और, सॉलिडारिटी कही थी एंड स्पेंसर ने आपके मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कही थी अभी क्या होता है इसका थोड़ा बहुत रिविजन हम यहीं पर कर लेते हैं जमिन शाह जैसे क्लियर हो गया दुरखीम ने कहा था मैकेनिक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी को इन्होंने रिलेट किया था आपकी पुरानी सोसाइटीज से एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी आपकी जो मॉडर्न सोसाइटीज में होती है तो बेसिकली इन्होंने कहा था जो आपकी पुरानी सोसाइटीज होती हैं उनमें यूनिटी होती है और उनमें क्या होता है लाइकनेस होती है इंटरडिपेंडेंस होती है हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है ठीक है वो छोटी सोसाइटीज गांव वाली रूरल सोसाइटीज आपकी मान लो हर कोई एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ऑलमोस्ट लोग सेम काम कर रहे हैं तो सिमिलारिटी है काम उमेन लाइकनेस है जब सारे सेम काम करेंगे तो वो एक दूसरे पे डिपेंड भी करेंगे जैसे एग्रीकल्चर में सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो हर कोई एग्रीकल्चर में अगर फील्ड में काम करे तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा तो इन सोसाइटीज में जो ये आती है सॉलिडॅारिटी वो किससे आती है वो आपकी म्यूचुअल डिपेंडेंस से आती है क्योंकि आप एक दूसरे पे सारे डिपेंडेंट हो ठीक है तो ऐसी सोसाइटी में उन्होंने कहा था ऑल दो डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम है सिंपल डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है ऐसी सोसाइटीज में और इस टाइप ऑफ सॉलिडारिटी को हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो किस वजह से आती है क्योंकि आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो आप सारे सेम काम कर रहे हो फिर इन्होंने कहा हम आते हैं मॉडर्न सोसाइटीज की तरफ वहां पे क्या होता है वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं अब यहाँ पे सोलिडारिटी किसकी वजह से आई लाइकनेस की वजह से अब ये जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं इनको भी सोलिडारिटी की जरूरत है तो म का कहना है ऐसी सोसाइटीज में सॉलिडरिटी आती है आपके डिवीजन ऑफ लेबर से जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया मॉडर्न सोसाइटी मोबाइल फैक्ट्री वाली एग्जांपल तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है अब ऐसा नहीं हो सकता है ना उसका कोई एक यूनिट शटडाउन हो जाए और बाकी चले फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बनाने की जो फैक्ट्री है उसका जहां स्क्रीन बनता है वो वाला पार्ट शटडाउन हो जाए तो क्या बाकी पार्ट चलेंगे बाकी प्लांट्स चलेंगे उसके जहां पे आईसीज बनती है हार्डवेयर का, का काम होता है बाकी सॉफ्टवेयर का, का काम होता है नहीं स हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट है तो जब आप डिपेंडेंट हो गए तो सोलिडारिटी भी रखनी पड़ेगी यूनिटी भी रखनी पड़ेगी तो इनका कहना था ऐसी सोसाइटीज में सॉलिडारिटी आती है आपकी सोलिडारिटी मीन आपकी यूनिटी आती है डिविजन ऑफ लेबर से और इस टाइप ऑफ सॉलिडारिटी को इन्होंने कहा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो आपकी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में होती है ठीक है अगर आपको डिटेल में ये लेक्चर देखना है तो उसके लिए आपको और क्या करना होगा मेरे वीडियो से देखना होगा ये हमने एक्सप्लेन किया है आई गेस सोशल चेंज वाले चैप्टर में वहां के एमसीक्यूज में इसको मैं फिर से मैं ऐड करूंगी वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारा कॉन्सेप्ट एंड स्पेंसर ने आपको दिया था मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल मिलिटेंट मैंने आपको कहा था वॉरफेयर वाली ठीक है जहां पे जबरदस्ती आपको कंपल्सिव कोऑपरेशन करवाई जाए वॉयेंट सोसाइटीज एंड इंडस्ट्रियल इज रिलेटिवली आपकी पीसफुल सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे कॉपरेशन जो होती है वो फोर्स नहीं होती है आप वॉलेंटरीली कॉपरेट करते हो तो वॉलेंटरी कॉपरेशन होती है ऐसी सोसाइटीज में ये देखते हैं रीअरेंज करो आप इन सोसाइटीज को आपकी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी अगर शॉर्ट में कहीं पे भी क्वेश्चन में एच देखो तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग होता है लेकिन हंटिंग एंड गैदरिंग पूरा ही लिखा होगा जस्ट इन केस ट्रेडिशनल स्टेट्स ऑफ सिविलाईजेशन सोसाइटीज एंड पेस्टोरल सोसाइटीज आपको क्या करना है आपको रीअरेंज करना है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो सबसे पहला हमेशा हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी ही रहेगा पहले आपके वो अर्ली मैन वो क्या करते थे हंट करते थे ठीक है और उनकी गैदरिंग करते थे फ्रूट्स वगैरह तो ये सारी चीजें हंटिंग एंड गैदरिंग हमेशा रहेगी सेकेंड जो पेस्टोरल सोसाइटी आई गाय बकरियां चलाने वाली सोसाइटी थर्ड वन वुड बी योर अग्रेरियन सोसाइटीज एग्रीकल्चर जो है आप सेटलमेंट होने लगे कहीं ना कहीं लेकिन पेस्टोरल का काम अभी भी होता था कि जगहों पे हंटिंग एंड गैदरिंग के भी कुछ एलिमेंट्स मिले बट मेजरली अग्रेडियन सोसाइटीज आना स्टार्ट हो गई फोर्थ वन इज ट्रेडिशनल स्टेट्स ट्रेडिशनल स्टेट्स और सिविलाइजेशन अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान दे, देना है अगर आपको नहीं पता होगा ट्रेडिशनल स्टेट एंड सिविलाइजेशन क्या होता है ट्रेडिशनल नाम पे ही सिर्फ नहीं जाना ट्रेडिशनल है तो शायद अगेर से पहले आता हो यहाँ पे स्टेट कीवर्ड देखो स्टेट यूजुअली मैंने आपको पॉलिटी में भी हमने बात करी एंड यहाँ पे भी हमने कहीं किसी चैप्टर में बात की है स्टेट यूजुअली आप किससे रिलेट करते हो आपकी कंट्री या स्टेट जो एक्चुअल स्टेट है जैसे जे के स्टेट उस टर्म में आप यूज़ कर सकते हो नेशन के टर्म में यूज कर सकते हो दैट मीन्स ट्रेडिशनल स्टेट डेवलप हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही होगी कि किसी अर्ली फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होने के ठीक है तो वैसे क्या ये वाला सेटअप कब आएगा सबसे बाद में आएगा ना यूजुअली या सिविलाइजेशन ये वाला सेटअप जो आता है ये सबसे लास्ट में ही आता है तो जहां यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही डेवलप होने की वो कहाँ पे आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा ठीक है तो देखते हैं फिर इसका ऑप्शन क्या बनता है आपका ऑप्शन बनता है वन फोर थ्री टू दैट इज आंसर बी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर एंड सेक्रेट सोसाइटी ये किसने दिया था ये दिया था आपके हॉवर्ड बेकर ने हॉवर्ड बेकर इनका फुल नेम है ठीक है और ये हमने बाकी सारे भी पढ़े हैं हेनरी मेन ने क्या दिया था आपका इन्होंने दो टाइप दिए थे सोसाइटी बेस्ड ऑन स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस वाली सोसाइटी फॉर एग्जांपल आपकी अर्लियर सिंपल सोसाइटीज जैसे आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो आपके पास कितनी लैंड है आपका स्टेटस वो डिटरमिन करता आपका जो भी सोसाइटी में आप किस ग्रुप में आओगे वो सिंपल सोसाइटीज का पार्ट है एंड इसमें जो आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वहां पे अब जो स्टेटस है वो प्री डिटर्मिन नहीं होगा ठीक है तो इन सोसाइटीज को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज बोलते हैं जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये हेनरी मेन ने दिया था कार्ल पॉपर ने आपको दो टाइप्स दिए थे ट्राइबल सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी ये सारा भी हमने डिस्कस किया है इसे बस आपका रिविजन हो जाएगा इस टॉपिक से कार्ल मार्क्स ने आपको दिए थे प्रिमेटिव एशिटिक एंशियन एंड फ्यूडल तो जी समझ में आ जाएगी फिर जो भी क्वेश्चन आप काल मार्क्स से रिलेटेड आएगा अगर आपने मेरे वीडियोज अच्छे से देखे होंगे आई अश्योर यू कल मार्क्स के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्लमेन हेम अब देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया कभी क्या होता है जल्दी में आप एक ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर लेकिन आप जल्दी में उसका आंसर लिख लेते हो कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा देखा गया है कि अगर आप वेट करोगे थोड़ा आपको एक दो क्वेश्चन के बाद या पांच छह क्वेश्चन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपको उसका आंसर भी क्लियर हो जाएगा जैसे प्रिमेटिव एशियटिक एंशियट एंड फ्यूडलिस्टिक ये किसने दिया है कार्ल मार्क्स ने ठीक है ट्राइबल एंड ओपन ये मैंने क्या कहा ये किसने दिया है कार्ल पॉपर ने सेक्रेड एंड सेक्यूलर ये किसने दिया है हॉवर्ड बेकर ने तो वहां कौन सा बचा आपका ऑर्गेनाइज एंड जनरल ऑर्गेनाइज जनरल हिस्टोरिकल ये किसने दिया है कार्ल मैन ने अब देखो आपको क्या करना है आपको पता है यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर एंड सेक्रेड इन चार में से किसी एक ने दिया होगा ठीक है दैट मीन्स और यहाँ पे काल मैन हम ऑप्शन में नहीं है दैट मीनस पहले ही आपका ये कैंसल हो जाता है सेक्रेड एंड सेक्यूलर वाला क्योंकि वो इन चार में से किसी एक ने दिया है डी में से किसी एक ने दिया है ठीक है उसके बाद ये आपका ऑप्शन हट गया अब आपके तीन ऑप्शन बचते हैं इसमें फिर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपको ये चीजें क्लिक हो जाएंगी कि ये जो चार सोसाइटीज हैं ये मार्क्स ने दी है क्योंकि जितने सोशोलॉजी पढ़ी है वो काल मार्क्स की सोसाइटीज का नाम उसको नहीं पता हो ये तो इम्पॉसिबल है ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी फिर थोड़ा बहुत आप दिमाग पे जोर डाल सकते हो कि काल मैन हमने कौन सा वाला दिया हो सकता है ठीक है अगर आपको हल्का सा भी वहां पे याद ना आ रहा हो तो ऑप्शंस ऑप्शन के फिर आप रिवीजन वो अपना याद दिला दिल के खुद को रिकॉल करके याद कर सकते हो अगर आपके एक दो ऑप्शंस जो है वो कट जाएंगे इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन अगर आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप देखो कोशिश करो कि आप कौन सा वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे दैट मीन्स कैंसिल आउट कर पाओगे कि ये वाला आंसर तो डेफिनेटली नहीं है उतना आपका आंसर करेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे इसमें आपको सिक्रेड एंड सेक्यूलर शोर शॉर्ट पता चलेगा ये नहीं है आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो ये भी आपको पता चलेगा कार्ल मार्क्स की ये नहीं है फिर आपको सिर्फ इन दो पे अपने दिमाग को जोर डालना है याद करना है कार्ल मैन हमने कौन सा वाला दिया था इसका आंसर है आपका ऑर्गेनाइज जनरल एंड हिस्टोरिकल हु इज आल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे ठीक है ये आपके फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे अब देखो जहां पे आप ऑगस्ट कॉम्टे नाम देखोगे वहां पे भी आपको अलग अलग नेट पे देखने को चीजें मिलेंगी आपको नेट पे देखने को मिलेगा कि ऑगस्ट कॉम्टे ने कॉइन किया है टर्म सोशोलॉजी जो कि सही नहीं है ये गलत है वो किसने टर्म कॉइन किया है वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इनने किया है इमानुअल जोसेफ सईस ने लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो बुक्स पब्लिश होती है मार्केट में जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आती हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे ही लिखते हैं मेजोरिटी ऑफ टीचर्स ऑगस्ट कॉम्टे ही बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली इमानुअल जोसेफ सईज ने किया था सेवनटीन हंड्रेड में इन्होंने क्वाइन किया था टर्म सोशोलॉजी ठीक है वो ऑगस्ट कॉम्टे नहीं किया था अब अगर ऑप्शन में आपको सईज मैंशन होगा तो आप यही आंसर लिखोगे अगर ये मैंशन नहीं होगा तो समझ जाओ उन्होंने कहीं से कॉपी करके आपको क्वेश्चन डाला तो आप ऑगस्ट कॉम्टे लिखोगे ठीक है अब ऑगस्ट कॉम्टे क्या है इन्होंने बेसिकली क्या क्वाइन किया था इन्होंने यूज किया था टर्म सोशल फिजिक्स सोशल फिजिक्स इन्होंने पहले सोशोलॉजी इसको नहीं बोला था सोशल फिजिक्स बोला था फिर इन्होंने सोशोलॉजी को री इंट्रोड्यूस किया था 1838 में एंड इसको बाद में इन्होंने काम काफी किए काफी इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट स्कॉलर रहे हैं सोशियोलॉजी के लेकिन क्वाइन इन्हें नहीं किया था इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था अब वो आपके जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप पे डिपेंड करता है कि वो आपको साइज वाला ऑप्शन देंगे या कॉमटे वाला देंगे अगर कॉमटे वाला देंगे अगर दोनों प्रेजेंट होंगे फिर तो समझ जाओ कि उनको पता है कि इसका आंसर क्या है अगर उन्हें कॉमटे वाला अगर उन्हें साइज ऑप्शन नहीं दिया होगा फिर आपको पता ही है आपको क्या करना है फिर आपको कॉमटे ही यूज करना है तो ये आपके बाकी इंपॉर्टेंट थिंगर्स है इनको क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट भी बोला जाता है जो मेजर प्रपाउंडर्स थे बड़े बड़े थॉट्स के सोशोलॉजी में इमाइल दुरखीम ठीक है एंडियो हर्बर्ट स्पेंसर एंड मार्क्स वेबर तो इमाइल दुरखीम को हम किससे यूजली लिंक करते हैं जैसे अभी हमने देखे डिविजन ऑफ लेबर मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और इन्होंने कहा था दो लॉज की बात की थी एक आपके रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं एंड रिफॉर्मेटिव लॉज होते हैं तो इन्होंने कहा था जो पुरानी सोसाइटीज होती हैं उनमें रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं वो आपको कर्ब करने के लिए यूज किए जाते हैं कि बस आपने कुछ गलती की तो आपको बिल्कुल ही बॉयकॉट किया जाएगा खत्म किया जाएगा लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें लॉज रिफॉर्मेटिव होते हैं उनको आपको रिफॉर्म करने की कोशिश होती है जैसे आपको मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जेल में डालते हैं जब कोई गलत काम करता है तो उन जेल में क्या हो रहा होता है उन जेल में उनसे एक्टिविटीज करवाते हैं कहीं पे पत्थर तुड़वा रहे होते हैं कहीं पे कार्पेंट्री का कुछ काम करवा रहे होते हैं एंड वो पैसे भी कमा सकते हैं उस जेल में तो वो क्या कर रहे होते हैं उस इंसान को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं ये मॉडर्न सोसाइटी ये आपकी प्रमेटिव सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता था तो उसको रेस्टिट्यूटिव की जगह भी बोला जाता है ठीक है और हर्बर्ट स्पेंसर आपको पता है सोशल डार्विनिज्म ऑर्गेनिक थ्योरी वो सारा हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है मार्क्स वेबर हमने कहाँ पढ़ा ये इंटरप्रिटेटिव स्कूल से बिलोंग करते हैं एंड हमने स्टार्टिफिकेशन में इनका नाम पढ़ा इन्होंने क्लास स्टेटस एंड पार्टी के बेस पे कहा था सोसाइटी आपकी स्टार्टिफाइड है वो हमने स्टार्टिफिकेशन में डिटेल में पढ़ा है आगे जब स्टार्टिफिकेशन चैप्टर के एमसीक्यूज जाएंगे तो वहां पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी अब सोशल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स

And munis means to serve. तो community का क्या मतलब होता है टू सर्व टूगेदर विच ऑज डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कम्युनिटी क्या क्या आता है कम्युनिटी में वी फीलिंग सेंटिमेंट हाई होते हैं ये कम्युनिटी का तो बेसिक ही है कॉमन लोकैलिटी भी होती है ये भी हमने देखा कई गोल ऑरियंटेड होती है नहीं वो कौन होते हैं वो आपके एसोसिएशन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए बने होते हैं फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल एसोसिएशन बनी होगी आपकी फुटबॉल के को प्रमोट करने के लिए या आपकी ट्रेड यूनियंस बनती हैं वो भी एसोसिएशन होती हैं जो आपके ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए बनती हैं तो वो किसी गोल के तहत बनती हैं ठीक है एंड डिफरेंशिएटेड क्या कम्युनिटी डिफरेंशिएटेड है नहीं क्योंकि कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फीचर है लाइकनेस कि वहाँ पे सिमिलैरिटी होती है लोगों में जहाँ वी फीलिंग होगी वहाँ डिफरेंशिएटेड ये चीजें नहीं हो सकती है डिफरेंशिएटेड होता है कि आप अलग अलग हो तो वो कम्युनिटी का कैरेक्टर नहीं आता है तो हमें क्या बोलना है Which of the defines the character of community. वो क्या-क्या है? We feeling and common locality. तो बी एंड इज नॉट अ फीचर ऑफ एसोसिएशन नॉट अ फीचर तो इनफॉर्मल रिलेशन फीचर नहीं है क्योंकि इनफॉर्मल कहाँ पे आप कम्युनिटी में बोल सकते हो लेकिन इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स एसोसिएशन में नहीं होती है जैसे मैंने फुटबॉल एसोसिएशन की आपको एग्जाम्पल दी तो जो उसके हैं क्या उनके बीच में कोई इनफॉर्मल रिलेशन है नहीं एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज वे में वो एक एसोसिएशन बनी है ठीक है तो इनफॉर्मल रिलेशन तो नहीं है गोल ओरिएंटेड ओरियंटेड ये होती है वॉलंट्री मेंबरशिप ये होता है स्पॉन्टेनिटी नहीं ये स्पॉन्टेनियसली नहीं बनती है एसोसिएशन ये कुछ सोच कुछ फ्रेमवर्क किसी ऑर्गेनाइज्ड वे के तहत इनका स्ट्रक्चर बनता है तो इसका आंसर होगा आपका नॉट अ फीचर में क्या क्या आएगा इनफॉर्मल एंड spont तो बी एंड डी वुड बी द आंसर मैंने इसके करना भूल गई हूं मैं कि आप खुद से अपने नोट्स में लिख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल कौन सी हो गई आपकी इंडस्ट्रियल जहां भी होगा वो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है तो जहां पे मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे हाई डिफ्रेंसिएशन कुछ जेनरिक चीजें याद रख लो डिफ्रेंसिएशन ज्यादा होगी डिविजन ऑफ लेबर हाई होगा ठीक है इंडिविजुअलिज्म होगा दैट मीन्स लोग जो होंगे कलेक्टिव नेचर के नहीं होंगे सेल्फ इंटरेस्ट जो होगा वो ज्यादा हाई होगा इन लोगों में इंडिविजुअलिज्म मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे कॉपरेशन कम होगा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा ठीक है इसका ऑपोजिट आपको मिलेगा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में तो ये कुछ जेनरिक बात है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आपको डायरेक्टली भी आपने वो चीज ना पढ़ी हो तो बॉन्डेड लेबर पुरानी सोसाइटीज में होता था क्योंकि अब तो लॉज बने हैं वेज लेबर होता है क्योंकि आपको वेज मिलते हैं वुमेन हाउस होल्ड लेबर ये भी है क्योंकि जब आदमी उसका हस्बैंड जाता है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए तो घर में पीछे काम कौन करता है वुमेन तो सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया अनऑर्गेनाइज लेबर ये भी होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा हुआ आपका जैसे आपके डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह और इंडिया में नाइन्टी परसेंट एम्प्लॉयमेंट इनफैक्ट नाइन्टी से ज़्यादा परसेंट एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है ऑर्गेनाइज होगी आपकी जो एक फॉर्मली कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आए होंगे फिर काम स्टार्ट किया हो जिससे आपकी मॉडर्न फैक्ट्रीज में होता है या कंपनीज में होता है आई सेक्टर में होता है अनऑर्गेनाइज हो गए ऐसे ही आपके घर में कारपेंटर आ रहा है वो काम कर रहा है आपके घर में uh, ये आ रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं तो वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ ठीक है तो इसका आंसर क्या हमें देखना है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो है आपका बॉन्डेड लेबर और ये बाकी तीन है ठीक okay, है देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी तो आपकी अर्बन कम्युनिटी अगेन शहरों की बात हो रही है ठीक है तो सिटीज़ का दिमाग में रखो अब सिटीज़ का रिलेशनशिप क्या सिटीज़ की जो लाइफ है वो कैसे चलती है इंक्रीज कमर्शियल एक्टिविटी हाँ बिजनेस वगैरह वहां पर अच्छा चल रहा होता है काम काज ठीक चल रहा है लोगों का इंक्रीज डिविजन ऑफ लेबर जितना आप रूरल से अर्बन की तरफ जाओगे उतना जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा आपकी सोसाइटी का तो उतनी आपको डिविजन ऑफ लेबर की जरूरत होगी जैसे मैंने यहां भी आपको कहा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंक्रीज डिविजन ऑफ लेबर ये आप याद ही रखो कि ऐसा होगा ठीक है और दुर्खेर ने वो एक्सप्लेन भी किया था वो कैसे होगा जो मैंने आपको में बताया और अभी भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया इंक्रीज सोशल कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है क्योंकि जितना आप आगे मॉडर्न टाइम में जाओगे अर्बन टाइम में जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ेगी तो सोशल कंट्रोल ऑन किनशिप बेसिस इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी शहरों में जो रिश्तेदारी है उसका ज्यादा इंफोसिस उस पर नहीं होता है वो अभी भी हम उसको रूरल कम्युनिटी से ही रिलेट करते हैं ठीक सोशल इंस्टीट्यूशन इज सोशल इंस्टीट्यूशन हमने इसमें तो नहीं पढ़ा लेकिन हमने मैंने आपको बताया था फोक वे मोर वाले चैप्टर में हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ा था तो जैसे आपके फैमिली मैरिज किनशिप कास्ट पॉलिटिक्स रिलीजन ये क्या है बेसिकली इंस्टीट्यूशन ही है तो अगर आपको इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल्स ही पता है आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अ प्लेस वेयर आर सोशल फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं क्या ये कोई जगह है सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर सोशल पोजिशन आर डिटर्म नहीं ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा इजेशन विशन डिटर्म ये सेम ही होंगे दोनों ऑप्शन तो ये गलत है इसका आंसर है एन इस्टिश प्रोसीजर दैट रेगुलेटमन बिहेवियर जैसे फैमिली है फैमिली का कोई प्रोसीजर है ठीक है एक फैमिली में अगर आप फादर हो आपका कोई रोल है मदर है कोई रोल है बच्चों का कोई रोल है आप अपने रोल से बाहर नहीं आ सकते हो एक स्टैब्लिश्ड रूल है ठीक है प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हो रिलीजन का कोई इस्ट प्रोसीजर है अगर हम इस्लाम की बात करें फाइव टाइम्स प्रेयर जका हज ठीक है ये कोई प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड सोशल सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट थियरी नहीं ये क्या बोलता है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव इसमें वो कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है हैव्स एंड हैव वाला वो हमने डिटेल में कार्ल मार्क्स के टाइम पे पढ़ लिया है बिहेवियरल थियोरी भी नहीं बिहेवियर थ्योरी क्या कहता है कि आप अपना जो बिहेवियर है वो अपने एनवायरमेंट से सीखते हो ये बिहेवियर लर्न होता है थ्रू योर एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली आपकी इंटरेक्शन होती हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ये आपका मार्क्स से रिलेटेड है ठीक है ये हमने काल मार्क्स में पढ़ लिया है स्टार्टिकेशन में जहां पे भी आप ये प्रोडक्शन वर्ड देखोगे ना वो मार्क्स से रिलेटेड है क्योंकि इन्होंने ही प्रोडक्शन की इन्होंने ही मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी ठीक है तो ये हमेशा काल मार्क्स अगर काल मार्क्स नहीं लिखा होगा अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल लिखा होगा तो वो भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि जो मार्क्स है वो ही मेन प्रपाउंडर थे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अब वी आर लेफ्ट विद वन फंक्शनलिस्ट थ्योरी तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी आपको क्या बोलती है ये भी हमने पढ़ा है आई के हमने पढ़ लिया था फंक्शनल थ्योरी क्या होती है ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ये बोलते हैं सोसाइटी की जो हर चीज़ है वो फंक्शनल है फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी लाइक अगर कुछ परसेंटेज ऑफ क्राइम हो रहा है सोसाइटी में वो भी फंक्शनल है क्योंकि जब क्राइम होता है अगर वो दो परसेंट लोग क्राइम करते हैं सोसाइटी में तो नाइनटी एट परसेंट लोग क्या हो जाते हैं उनको थोड़ा ये में वो आगाह हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि जो दो परसेंट लोगों ने क्राइम किया उनको पनिशमेंट मिली ठीक है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्राइम जो है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए क्योंकि एटलीस्ट नाइन्टी एट परसेंट लोग जो है वो उसमें सही से रहते हैं फिर कि हमें वो क्राइम नहीं करना है क्योंकि वो दो परसेंट लोगों का हाल देखते हैं कि कैसे उनको पनिश किया जा रहा होता है सोसाइटी में प्लस ये आपको क्या बोलते हैं अगेन वो हर्बर्ट स्पेंसर वो फंक्शनल थे वो ऑर्गेनिज्म वाली बात कि जो हर पार्ट है सोसाइटी का वो दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ठीक है तो जो मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो किससे रिलेटेड होगा आपके फंक्शनलिस्ट थियरी से न इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी डिस्टिंग लैंग्वेज है डिस्टिंग टेरिटरी है ठीक है उनकी अपनी टेरिटरी होती है अपनी उनकी लैंग्वेज होती है कॉमन तो सेंस वाले दो पॉइंट हो गए डिफरेंसिएशन नहीं ठीक है जब आप उनको डिस्टिंग टेरिटरी और लैंग्वेज दे रहे हो तो डिफरेंशिएटेडेड थोड़ी होंगी ज्यादा डिफरेंसिएशन तो आपको मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलती है एंड ट्राइबल सोसाइटीज आपकी मॉडर्न सोसाइटीज नहीं है उनको आप रिलेट करते हो प्रमेटिव सोसाइटीज से चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी आज के जमाने में भी प्रेजेंट हो लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको प्रिमेटिव कल्चर से एसोसिएट करते हो मॉडर्न से नहीं सेगमेंट्री भी होती है ट्राइब्स याद रख लेना सेगमेंट्री क्या होता है जो आपकी स्टेटलेस होती है इनका दूसरा टर्म है एसेफिलस जो हेडलेस स्टेट होती है ये क्या होता है सेगमेंट्री इनका कोई वेल डिफाइंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे कोई एक इंसान है वो पॉलिटिक्स में भी वही ये है उसका लीडर रिलीजसली लीडर भी वही है सोसाइटी का भी लीडर वही है तो वो करके क्या होता है अगर सोसाइटी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है लेकिन कुछ कॉमन वैल्यूज होते हैं सोसाइटी के उन सेगमेंट्स को भी कौन जोड़ के रखते हैं कॉमन वैल्यूज वो ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं होती है सोसाइटी वो होता है आपका सेगमेंट्री सोसाइटी और वो किससे हम रिलेट करते हैं यूजुअली आपके ट्राइबल एरियाज से एंड इनको हम स्टेटलेस भी बोलते हैं जिनका कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका ऑल दो ट्राइब्स का अपना पॉलिटिकल सेटअप होता है लेकिन सेगमेंट्री में हम अगर हम ट्राइबल को सेगमेंट्री बोलेंगे तो हम उस सेगमेंट्री में यही मीनिंग समझेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत अभी अर्ली फॉर्म्स में होगा उतना वेल डेवलप्ड नहीं होगा क्योंकि वही इंसान पॉलिटिकल हेड भी है वही इंसान आपका रिलीजियस हेड भी है सोसाइटी अपने इशूज के लिए भी उसी इंसान के पास जाती है पर्सनल इशूज के लिए भी तो वो होता है आपका सेगमेंट्री डिविजन इन कॉन्टेक्स ऑफ ट्राइबल्स विच वन ऑफ द इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अब देखो जो मैंने अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोला उसके बाद हमने अर्बन कम्युनिटी बोला एंड अब हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बोल रहे हैं हैं बेसिकली इन तीनों के फीचर्स एक ही ये नाम अलग अलग हैं ठीक है थीके? अब मैंने तीनों इसमें क्यों नाम इंक्लूड किए ताकि एग्जाम में आप अगर ऐसे टर्म आ जाए अर्बन आ जाए या इंडस्ट्रियल लिखा हो या कैपिटलिस्टिक लिखा हो आप समझ जाओ ये सारा मॉडर्न सोसाइटीज के रिलेटेड ही बात हो रही है तो प्राइवेट ओनरशिप ये से होती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो आपके कैपिटलिज्म पे चले वो मॉडर्न सोसाइटीज में ही होगा आपका फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रॉफिट पे बात होती है वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन मोटो है कैपिटल एक्यूमुलेशन कैपिटल एक्यूमुलेशन भी होती है कैपिटल क्या होता है आपका सारा वेल्थ जो आप लेते हो फिर आपको जो वेल्थ इन्वेस्ट करना होता है काम में वो आपका कैपिटल होता है तो आपका बिजनेस आप एक्सपैंड क्यों करते हो ताकि आप वहां से और ज्यादा आपको पैसे जो मिले वो फिर पैसे आप फर्दर और इन्वेस्ट करो तो उसको हम कैपिटल अक्यूमुलेशन बोलते हैं क्रिएशन ऑफ पब्लिक वेल्थ ये इसमें नहीं आएगा पब्लिक वेल्थ होता है जो पब्लिक गुड के लिए आप क्रिएट करते हो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए तो प्राइवेट जो आपके ओनर्स होते हैं इंडस्ट्रीज uh, के ठीक है वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं उनको कैपिटल पब्लिक गुड से कोई लेना देना नहीं है उनका ठीक है वो वेलफेयर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑल्दो अब अगर होते हैं इंडिया में उसको कॉरपोरेट सोशल ये बोला जाता है सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो आपका यहाँ आपको अगर किसी को पता होगा सी एस आर के बारे में तो वो फिर अंदर से सोच रहा होगा लेकिन उनको भी वेलफेयर एक्टिविटी करनी होती है तो वो चीज़ आप भूल जाओ ठीक है वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा आप यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कि कैपिटलिज्म को हम कभी भी पब्लिक वेल्थ क्रिएशन ऑफ पब्लिक वेल्थ पब्लिक गुड वेलफेयर एक्टिविटी उसके साथ रिलेट नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप, आपका क्या लिखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी क्वेश्चन है किस गलत लिखा है मैंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ये करेक्ट कर लेना ठीक है ये बेसिक नहीं है यहाँ पे इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी तो प्राइवेट ओनरशिप है प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन भी है कैपिटल एक्यूमुलेशन भी है क्रिएशन पब्लिक वेल्थ नहीं है अब एक किन कंट्रीज में होता है या आपकी सोशलिस्ट कंट्रीज में होता है जहाँ पे सोशलिज्म होता है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है वहां पर सारी जो चीजें हैं आपकी आपकी फैक्ट्रीज हो गए आपके बाकी इंस्टीट्यूशन हो गए आपके बैंक्स हो गए वो सारे किसके अंडर होते हैं स्टेट के अंडर होते हैं एंड स्टेट क्या करता है जो भी वहाँ से प्रॉफिट आता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही है फिर रियालिटी अलग है वो अलग बात है ठीक है लेकिन जो पब्लिक वेल्थ है उसको हम रिलेट करते हैं कैपिटलिज्म से नहीं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से नहीं लेकिन किससे सोशलिस्ट सोसाइटी से सोशलिज्म से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रेजेंट सोसाइटी तो प्रेजेंट आपकी पुरानी सोसाइटीज एग्रीकल्चर सोसाइटीज वहां ले लो यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स एज लेबर्स होता है वहां पे फैमिली एज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पन अब देखो ये चीज मैंने एक्सप्लेन भी की है आपको पहले फैमिली प्रोडक्शन का यूनिट भी है कंजम्शन का भी है जब आप किसी फार्म में काम करते हो तो पूरी फैमिली वहां काम करती थी वाइफ भी लगी हुई है चिल्ड्रन भी लगे हुए हैं दैट मीन्स पूरी फैमिली प्रोड्यूस कर रही है एंड फिर वही फैमिली कंज्यूम भी कर रही है फिर जो बाद में वो ग्रेन वगैरह ग्रो करते हैं या उनके फार्मिंग से जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट पूरी फैमिली का ही होता है यूजुअली बंदा किसके लिए कमाता है अपने घर वालों बच्चों के लिए कमाता है तो जो पूरी फैमिली कमा रही है वो भी किसके लिए कमाएगी अपने लिए कमाएगी तो उसमें बोला जाता है ऐसी पुरानी पीजन सोसाइटी में फैमिली वॉज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो एज वेल एज कंजन ऑल्सो लेकिन मॉडर्न फैक्ट्रीज में क्या हुआ अब जो मेल मेंबर्स थे वो चले गए फैक्ट्रीज में काम करने एंड पीछे घर कौन संभालेगा फीमेल्स और बच्चे भी अब फैक्ट्रीज में उनके काम नहीं करेंगे क्योंकि बाप तो काम कर ही रहा है तो ऐसी फैमिलीज को हम बोलते हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप में आए दे वर ओनली अ यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो ये याद रख लेना तो हमें बोलना है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रेजेंट सोसाइटी तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा फोर्थ हमारे पास क्या है एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ये भी है होता है प्रेजेंट सोसाइटीज में यही काम कर रहे होते हैं तो कंप्लीट आइसोलेशन कंप्लीट आइसोलेशन कहाँ पे होती है? नहीं होती है प्रेजेंट uh, सोसाइटीज में तो नहीं होती है आइसोलेशन या इंडिविजुअलिज्म सेल्फ इंटरेस्ट ऐसी कोई भी रिलेटेड चीज आएगी तो वो आपकी अर्बन सोसाइटीज का पार्ट होगी आपकी एग्रेरियन प्रेजेंट सोसाइटीज का नहीं क्योंकि वो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज होती हैं नेबरहुड में उनमें ज्यादा बॉन्डिंग होती है आपस में किनशिप बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो वहां पर आइसोलेशन वाला पॉइंट तो कभी नहीं आएगा अमंग द फॉलोइंग मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेस्टिट्यूटिव एंड रिफॉर्मेटिव लॉज इमाइजर के में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ सोशलॉजी इज प्रोडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स नहीं ये नहीं करता है सोशलॉजी ये कंट्रोल ऑफ इवेंट्स इन सोसाइटी सोशोलॉजी बस आपको बोलता है सोसाइटी में क्या हो रहा है उनको कैसे कंट्रोल करो वो नहीं बोलता है टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन सोसाइटी ये भी नहीं है वो सोशोलॉजी का गोल नहीं है ऑल दो फिर रेवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे आएंगी वो जैसे कार्लमार्क्स थिंकर है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है उन्होंने वो बात करी थी बट दैट वॉज नॉट द गोल ऑफ सोशलॉजी आपको गोल ऑफ सोशोलॉजी है वो बस इतना ही है कि सोसाइटी को और सोसाइटी का जो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है उसको अंडरस्टैंड करना कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे ये <coughs> देख लो हु गेव द डेफिनेशन सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर तो कलेक्टिव बिहेवियर आपका बोला था बर्जिस ने पार्क एंड बर्जिस ठीक है सोशोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोशल ग्रुप्स ये कहा था किम्बल यंग ने तो जो डेफिनेशन है वो मैंने अपने कंसेप्चुअल पार्ट अपने लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है लेक्चर को अननेसेसरी में डेफिनेशन से लंबा करूं वो डेफिनेशन याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी एंड मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी जिसमें डेफिनेशन मैंशन है वो पीडीएफ मेरे इसमें प्रेजेंट है लैपटॉप में मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट वेट में स्क्रीन चेंज करती हूँ हाँ ये मैं पीडीएफ बना रही हूं आपका जिसमें आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी तो देखो क्या तरीका है डेफिनेशन याद करने का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल हम कोई डेफिनेशन उठाते हैं पहली देख लेते हैं इंसले डेविस ने कहा था सोशलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी अब आपको ऐसे नहीं याद रखना है जनरल जनरल साइंस साइंस ऑफ ऑफ सोसाइटी सोसाइटी इज द ने बोला था आपको ये रटा नहीं करना है आपको बस याद रखना है जनरल साइंस सोसाइटी को डेविस ने कहा था मतलब आपको एक एक कीवर्ड पकड़ना है जैसे यहाँ पे लिखा है पार्क एंड बर्जिस ने कलेक्टिव बिहेवियर की बात करी थी तो आपको याद होना चाहिए बर्जिस पार्क एंड बर्ज अगर सिर्फ बर्जेस आया तो बर्जेस ऑप्शन होगा अगर दोनों आए तो दोनों होंगे आप इधर को बर्जेस ने कहा था कलेक्टिव बिहेवियर तो आपको पूरी पूरी डेफिनेशन ने याद रखनी है आपको क्या करना है आपको उन डेफिनेशन का एक कीवर्ड पकड़ना है ठीक है आगे थोड़ा देख लो जैसे वार्ड ने क्या कहा था वार्ड ने बात की थी सोशल फिनोमिना तो आपको याद होना चाहिए साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल फिनोमिना वार्ड ने कहा था ठीक है इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स तो ह्यूमन माइंड्स के रिलेटेड बात की थी हॉब हाउस ने फाइन टोनीज ने कहा था ह्यूमंस लिविंग टुगेदर ह्यूमंस अब आप पूरी याद करो सोशोलॉजी इज वन ऑफ द होल ऑफ द थ्योरी इज ऑन द होल द थ्योरी ऑफ ह्यूमन लिविंग टुगेदर जैसे हम वो रटा लगाते हैं वो आपको नहीं करना है उससे आपको इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं होंगी अगर आप डेफिनेशन का भी बाद में अपने नोट्स में ये शॉर्ट फॉर्मेट बना लोगे की वर्ड देख लो ह्यूमन्स लिविंग टुगेदर फर्ड एंड टोनीज ने कहा था ह्यूमन्स लिविंग टुगेदर फर्ड एंड टोनीज ने कहा था ठीक है ऐसे करके आप खुद से भी अगर कोई तरीका निकालो याद करने का तो जैसे कलेक्टिव हमने आपको बोला अभी मैंने आपको बताया कलेक्टिव बिहेवियर बर्जेस ने कहा था वैसे आप याद रखोगे कलेक्टिव बिहेवियर बर्जेस ने कहा था लेकिन कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दुर्खेम ने कहा था ऐसे कंपेरेटिवली भी आप याद रखोगे तो भी चीजें याद रह जाती हैं कलेक्टिव बिहेवियर कहा था बर्जस ने एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा था दुर्खेम ने तो ऐसे करके रिवाइज किया करो एंड कुछ खुद से कुछ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ मैकाइवर ने कहा है सोसाइटी को वेब ऑफ रिलेशनशिप्स ठीक है अब देखो मैं जब पढ़ती थी अपने टाइम पे सोशोलॉजी मैंने ये कैसे याद रखा था मैकाइवर और वेब ऑफ रिलेशनशिप ये मुझे अभी तक याद है मैक Mac से मैकाइवर मकड़ी एमएससी मकड़ी इज स्पाइडर 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 क्या बनाती है वेब जाल तो वेब ऑफ रिलेशनशिप्स मैकाइवर अगर आप ऐसे करके कुछ थोड़ा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो याद रखने के लिए कुछ भी करके याद रखो तो आपको याद ऐसे भी रह जाएगा ठीक है तो मकड़ी मकड़ी जाल बनाती है मैकाइवर ने वेब ऑफ रिलेशनशिप्स कहा था वेब क्या होता है जाल ठीक है तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो तो ये पीडीएफ में बना रही हूँ डेफिनेशन का अभी इसमें और चीजें भी आएंगी मैं आपको कुछ बाद में सप्लीमेंट्री नोट्स भी दे दूंगी जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो उसमें मैं आपको ये पीडीएफ वगैरह भी ये डेफिनेशंस वगैरह भी दे दूंगी बाद में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करके तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी वापस चलते हैं हाँ तो सोशलॉजी डील्स विद द मैन ऑफ सोशल ग्रुप्स ग्रुप सोशल ग्रुप्स की बात करी थी किम्बल यंग ने ह्यूमन बींगस लिविंग टुगेदर अभी हमने देखा है कि इसने कहा था टोनीज ने वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट दैट एवरी इंडिविजुअल इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑफ स्प्रिंग किसने कहा था मैकाइवर एंड पेज ने ये भी याद रख लेना तो आपको पूरी डेफिनेशन आप याद नहीं करोगे देखो ये तो छोटी डेफिनेशन है ना आपको लग रहा होगा इसमें क्या इतनी खास बात है की निकालना जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन होंगी कोई इंपॉर्टेंट बड़ी वाली डेफिनेशन वो आपको ये रूल वहां पर बहुत काम आएगा आप एक छोटा सा की चूज करके वो याद रख सकते हो डेफिनेशन किसने दी यहाँ पे याद रख लो ऑफ स्प्रिंग किससे रिलेटेड है आपके मैकाइवर एंड पेज से विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजअली कंबाइन द रूरल एंड द अर्बन कम्युनिटीज इंटू वन नेबरहुड नहीं नेबरहुड यूजुअली आपका रूरल होगा अगर आप रूरल एरिया में रहते हो अर्बन होगा अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो कम्युनिटी नहीं आप एक कम्युनिटी में इकट्ठे रहते हो तो डिस्टिंगविश्ड रूरल uh, और अर्बन अलग होने की बात ही नहीं है एक रीजन नहीं उसमें भी क्या आप बोलते हो एक रीजन में या तो अर्बन रीजन होगा रूरल रीजन होगा ठीक है तो जब हम इसको देखें कंट्री को तो एक कंट्री में आपको कंट्री बड़ा पार्ट है इसमें आपको रूरल भी मिलेगा अर्बन भी मिलेगा फिर इसके अंदर अंदर छोटे पार्ट्स आ गए नेबरहुड आ गया कम्युनिटी आ गया रीजन वगैरह आ गया तो रीजन और कंट्री में थोड़ा पहले कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन थोड़ा ध्यान देना कंट्री एक बड़ा फ्रेमवर्क है एक बड़ा गोल है कंट्री जिसके अंदर ये छोटे छोटे गोल आते हैं तो एक कंट्री के अंदर आपको सारी टाइप ऑफ कम्युनिटीज मिलेंगी वो सारी टाइप ऑफ कम्युनिटीज रीजन नेबरहुड्स को कंबाइन करता है ठीक है तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका बी कंट्री तो ये थे थर्टी क्वेश्चन इसके अब थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमने सोशल चेंज में भी कवर किया था ना सोशल चेंज भी मैंने आपको पढ़ाया था तो अगर इसमें कुछ मिस हो गया होगा टाइप्स ऑफ सोसाइटी में कोई नाम ठीक है जैसे आपके मॉर्गन वगैरह है ठीक है और भी कुछ नाम होंगे तो वो हम आगे के जब एमसीक्यूज़ में कराऊंगी वहाँ भी कवर हो जाएगा तो ये था आज का लेक्चर आई होप यू लाइक डेट अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे